यहाँ देखेंगे तो आप कितने तादाद में, लगभग जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं, जितने आपकी वीडियो बहुत वायरल हुई तो आपका बिजनेस ग्रो हुआ कि नहीं? उस टाइम आए थे तो उस टाइम की कुछ और बात। ये खचाखच पूरी टीम आपकी भरी पड़ी है, एक साथ आए नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के आरा जिले में और आज खचाखच पूरा हॉल भरा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों से। और आइए आपको शानदार लीडर से मुलाकात कराते हैं जिनसे मेरी दोबारा मुलाकात बिहार के आरा में होने जा रही। आइए आपको दिखाता हूं, यहां देखेंगे तो आप कितने तादाद में, लगभग 100-150 लोग यहां पर हैं। आप सबसे मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा दे एवरीवन। तो आइए आपको मुलाकात कराते हैं यहां बहुत सारी नारी शक्ति, बहुत सारे पुरुष प्रधान से जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में धमाका मचा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप आते रहें और आप सब भी अपने सम्मान में घनघोर तालियां बजाएं। यहां नारी शक्ति, मात शक्ति मौजूद हैं और आपको आज इस टीम के मुखिया से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो बड़े कम समय के अंदर धमाका मचा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर प्रमोद गिरी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, दोबारा आपसे मिल रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये खचाखच पूरी टीम आपकी भरी पड़ी है, आज शानदार आपका वर्कशॉप हुआ, बैठने का जगह नहीं रहा, क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं यही कहूंगा कि ये एक ऐसा जर्नी शुरू हुआ था जहाँ लोग बोलते हैं ना कुछ नहीं होगा, हाँ ये बच्चे बच्चे टाइप के लोग क्या कर पाएंगे जी। आप जब हमसे मिले थे एक साल पहले तो आप देखे थे, एक साल पहले जब आपसे मिला था 13 मिलियन से ज्यादा आपकी वीडियो वायरल हुई है। वो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जो, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप आए, सभी का लोग देखा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो लोग बोलते थे यार ये बच्चे टाइप के लोग हैं, कहाँ कुछ कर पाएंगे, इनके साथ साथ बच्चे बच्चे लोग ज्वाइन करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता, डायरेक्ट सेलिंग कुछ नहीं है, ये है वो है, बहुत सारी बातें हुई थी। आज देख लीजिए सर हमसे सब बड़े हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां अभिवादन। पूरे हिंदुस्तान को आज मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 85% से ज्यादा यहाँ फीमेल हैं, नारी शक्ति हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, ये पूरा नारी शक्ति का हुजूम लगा हुआ है जी, और आज आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके बहुत सारे लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि सर हर किसी को करना चाहिए, नारी ही नहीं बल्कि हर तरह के लोगों को करना चाहिए। अब नारी क्यों कर रही है, कारण ये है कि महिलाओं को ये दिखता है कि अगर आज के समय भी हमें अगर अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने जो हमारी बहनें होती है अगर उनके भाई के ऊपर अगर डिपेंड रहना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं सर लगता है कि अभी हमें अपने आप पर और मेहनत करनी, मतलब एजुकेशन के ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। लेकिन एजुकेशन लेने के बावजूद भी नौकरी उनको नहीं मिल रही है तो उस एजुकेशन की क्या आवश्यकता। डायरेक्ट सेलिंग में पढ़े लिखे अनपढ़ गवार जो नहीं, नाम भी नहीं लिखते, अंगूठे भी लगाते हैं, वो भी इस बिजनेस में सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी बता करके, प्रोडक्ट के बारे में बता करके अपना और अपने परिवार की मतलब जो इनकम है वो निकाल सकते हैं। तो सर उनके लिए ये सबसे बढ़िया व्यवसाय है, इसलिए मुझे लगता है महिलाएं और लड़कियां और हमारी बहनें और जो भी आंटी जी टाइप के जो भी लोग हैं इस बिजनेस में आ रही हैं और कर भी रही हैं और पताका भी फहरा रही हैं। आपको भी पता है सर कि भारत सरकार के सर्वे के अनुसार 75% महिलाएं इस इंडस्ट्री में हैं और आपके यहाँ 85% फीमेल हैं। और हमारे पास मुझे लगता है सर कि मैं कसम से बता रहा हूँ सर, मुझे लगता था पता नहीं हमारे साथ लोग आएंगे कि नहीं, मेरे से जो बड़े उम्र के लोग हैं वो मेरे साथ बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे। और सच बात है लोग बोलते थे अरे ये बच्चे बच्चे देख लेना ये कुछ नहीं करेंगे, ये बस आज आए हैं तेजी में और तेजी से निकल जाएंगे। हाँ जितने तेजी से आए उतने तेजी से निकल जाएंगे। लाखों लोगों ने आपके वीडियो पे ट्रोल भी किया है, जम करके ट्रोल किया है, बहुत सारे लोगों कैसे ने सहा आपने, आपका तब तो हेयर स्टाइल शानदार था, एक शानदार पर्सनालिटी लगे थे, हालांकि अभी भी शानदार पर्सनालिटी है, तो आपने हेयर स्टाइल क्यों कटा दिया अपना? बात ऐसी थी सर, हेयर स्टाइल एक मेरा टारगेट था जीवन का, एक मैंने लक्ष्य निर्धारित किया था जी, मैं इस इंडस्ट्री से इतनी इनकम कर लूंगा तो मैं ना अपना हेयर स्टाइल तभी कटवाऊंगा जब मेरी इतनी इनकम होगी तब जी। क्यों तो अब मैं आपसे रोक कर बोलना चाहूंगा कि तब आपका क्या हालात था, तब आपके क्या हाल थे और आज आपके क्या हाल हैं? सर उस टाइम मैंने इसलिए वो प्रण ले लिया था कि जब मैं लोगों के पास जाता था अपने पड़ोस में दोस्त में मित्र के पास तो सारे लोग बोलते थे कुछ नहीं होगा तू बेकार में फंस गया है, तो मैंने कसम खा ली थी। जैसे आपने देखा होगा चाणक्य ने धृतराष्ट्र के जो राजा थे उनके प्रति उन्होंने चोटी सिखा बांधा था कि जब तक मैं तुझे गद्दी से नहीं उतार दूंगा मैं देख लेना मैं ये सिखा नहीं खोलूंगा ये बाल नहीं, ऐसे कुछ करके था चंद्रगुप्त मौर्य कहानी के अंदर बताया गया है। तो वैसे ही मैंने ठान लिया था मन से अपने अंदर, किसी से कंपेयर नहीं, किसी से कोई वचन नहीं दिया था,
दिल से मैंने बोला था साला जब तक इस इंडस्ट्री से अपने 75% सपने नहीं पूरा कर लेंगे तब तक अपनी हेयर स्टाइल चेंज नहीं करेंगे और इन सब लोगों के मुंह पर ताला बंद कर मार करके दिखाएंगे। तो 75% कौन कौन सपने आपके पूरे? सबसे पहले सर मैंने दो चक्का लिया, गाड़ी लिया जब आपसे मुलाकात, उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था। दूसरी बार मैंने 1,10,000 का फोन लिया जिसे आईफोन बोलते हैं। तीसरी बार मैंने बैंक बैलेंस बनाई जो हर किसी के पास होना चाहिए। मैंने लाखों का इनकम लिया, 6 फिगर में अर्निंग हुई हमारी, मतलब लाखों रुपए की इनकम हमारी हुई। इसके बाद मैं विदेश में गया, विदेश के धरती पे झंडा गाड़ के आया, देश का भ्रमण किया। वैसे वैसे जगहों पर जहाँ एक दिन की किराया 10,000 रुपए लगती है वहां पर अपने स्टे किया गांव से निकल के, बहुत बड़ी बात है अपने आप। बिल्कुल सही बात। उसके बाद मैंने विदेश गया, थाईलैंड। उसके बाद लोग बोलते हैं थाईलैंड तो कोई भी जा सकता है, फोन तो कोई भी ले सकता है, फोर व्हीलर ले लेना तो बताना। फिर 10 लाख की कार ले ली। कार ले लिया, कार ले ली, क्या बात है, जोरदार ताली एवरीवन, बधाई हो, थैंक यू, बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू। उस बार जब आया था तब आपके पास कार नहीं थी? नहीं थी। अभी आपके पास आईफोन भी है, कार भी है, कार की चाबी है, नंबर है BER03AM2082, ये मेरा नंबर है कार का। इसके बाद लोगों ने बोला गाड़ी तो कोई भी ले लगा, कुछ और कर ले। फिर मैंने बोला ठीक है भाई। फिर मैं पूछा तुम्हारा कोई प्लॉट भी काऊ है? हाँ जी। तो उसने बोला मेरा तो नहीं है, पड़ोसी का है। हाँ जी। फिर मैंने प्लॉट ले ली। हाँ जी। वो भी 10 लाख रुपए की। क्या बात है, पीट दिया आपने। तो ये सर इस इंडस्ट्री की कमाल। तब जाके मेरे को लगा कि अब मुझे जहां तक लगा कि ये मैंने अपने लिए ये बहुत कुछ कर लिया इतनी सी कम उम्र, 22 साल की उम्र में। सर कहां लड़के लड़कियां क्या से क्या करते हैं। अच्छा, आप अपनी कहानी आप बताते हैं कि आप सड़क पे चल रहे थे, किसी राह चलते किसी ने आपको छेड़ा था। जी जी, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। जी सर, सच्चाई है। गांधी मैदान पटना में एक व्यक्ति ने मुझे मिला, उन्होंने पास दिया, बोला आप संडे को आ जाना करके। मैं होटल का नाम सुन के पहुंच गया, खाने को मिलेगा जी। क्यों, गरीब आदमी था सर, होटल बोला तो थोड़ी अच्छा लगा। और सामने वाला टाई बेल्ट में रहता है तो थोड़ा देख कर लगा कि नहीं भाई अच्छा आदमी बुलाया, का पता कोई काम वम करवाएगा, खिलाएगा तो कम से कम। तो वो जर्नी थी और एक आज की जर्नी थी। तो वो जर्नी थी कि रोड चलते मुझे किसी ने बोला था और मैं इस इंडस्ट्री में खुद आया तो लोगों ने ट्रोल किया, तो मैंने प्रण लिया, दिल का सुना, दिल से मैंने बात करी, फिर मुझे लगा यस आई कैन डू इट। शुरू में तो मेरे को भी लग रहा था कि नहीं होगा, मचा दिया धमाका। अब आप देख सकते हैं सर, ये बस एक जगह का कमाल। अच्छा, अच्छा एक सवाल और करना चाहूंगा आपके साथ, ये शानदार लीडर हैं फीमेल में जिनकी वीडियो बहुत वायरल हुई पूरे भारत में। हाँ। तो मैम का भी परिचय कराई। खुशबू मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो काफी समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आपकी वीडियो बहुत वायरल हुई, तो आपका बिजनेस ग्रो हुआ कि नहीं हुआ? बहुत ज्यादा ग्रो हुआ। हाँ जी। वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा श्रेय जाता है तो आपके चैनल को जाता है। थैंक यू सो मच मैम। बहुत सारे लोगों को मैंने ज्वाइनिंग भी करवाई और बेसिकली ये एग्जाम्पल के तौर पे है। इनको मैंने यूपी से स्टार्टअप करवाया था, बलिया जिले से, जो की अभी बिहार में रह करके ये बिजनेस कर रही है। ये सारा का सारा श्रेय सर आपके चैनल को जाता है। थैंक यू सो मच कि आज मुझे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग जान रहे हैं। हाँ जी। सही है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब आपकी एज हो गई कि नहीं हो गई? उस समय आपकी एज नहीं हुई थी? नहीं। अब आपकी एज हो गई? अब मैं 8 मई को 18 साल की हो गई। अरे वाह, क्या बात है, कांग्रेचुलेशन। आप देख रहे हैं ये वही खुशबू मैम है जिन्होंने दहाड़ा था और जिन्होंने बताया था कि एक सप्ताह की इनकम आपकी कितनी गई थी। उस समय 1,20,000 गया था सर। 1,20,000। अभी आप उसके आगे बढ़ रही हैं या फिर अभी आप उसी पे हैं? नहीं, उससे अर्निंग ज्यादा होने लगी मेरी। हाँ जी। हाँ, क्या बात है। तो आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या है थोड़ा आप बताएंगी? सबसे पहले अभी जो रिसेंटली मंथ का मेरा गया था, अगर मैं बताऊँ टोटल 3 महीने का अर्निंग, तो करीबन 3.5 लाख के समथिंग में मेरा गया था। 3.5 लाख रुपए से ज्यादा आपने कमाया। जोरदार तालियां। आप देख रहे हैं ये पूरे भारत को दिखा रहा हूँ, एक नजराना है कि दिन पर दिन यहाँ लोग प्रोग्रेस हो रहे हैं। और आपके साथ बहुत सारे लोग हैं आज, आपके साथ काफ़ी सारी फीमेल काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे प्रभावित हैं। इनको आप क्या कहना चाहेंगे, किस वजह से आपके साथ धंधे में रुकी रहें और आगे बढ़कर काम करें, आपको क्या रोका, वो चीज़ बताइए। देखिए सर, देखिए सबसे पहले बड़ी बात ये होती है कि जो महिलाएं होती हैं ना, उनकी सबसे पहले फैमिली बोलती है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो मैं महिलाओं से यही बोलती हूँ, लड़की लड़कियों से यही बोलती हूँ कि भाई जो बोलता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, हम लड़कियाँ अगर ठान ले तो लड़कों से भी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। लड़के महीने का 1 लाख कमा सकते हैं तो हम लड़कियाँ महीने का 5 लाख भी कमा सकती हैं। इतनी पोटेंशियल हर औरतों हर महिलाओं के अंदर होती है। क्या बात है भैया, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। अभी आपके साथ और भी अचीवर है, मैं चाहूँगा कि मुलाकात कराएं। यहाँ बहुत सारी मातृशक्ति, बहुत सारी नारी शक्ति, मैं चाहूँगा आए और दिखाएं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम आर एस रंजन है सर। हाँ जी। जी सर, तो आपकी उपलब्धि क्या है और आप आज के इस शानदार सेशन में क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात कि बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपसे तकरीबन
एक साल हो ही गया, एक साल उस टाइम आए थे तो उस टाइम की कुछ और बात थी, अब की कुछ और बात है। अब बात बदल गई है जी सर, बिल्कुल तो बताएं क्या बदल गई बात। बिल्कुल बिल्कुल, तकरीबन मैंने इस काम में तकरीबन 2 साल से हूँ और 2 साल में टोटल मेरी इनकम 5.5 लाख की प्लस की इनकम हो चुकी है। 2 साल के अंदर 5.5 लाख रुपए ज्यादा पैसा आपने पीट दिया। जी जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। बात रही अचीवमेंट वगैरह की, तो जैसे बाइक भी आज के डेट में 20-22 साल के लड़के का सपना होता है खुद के पैसों से बाइक लेना, वो भी है। आईफोन सबसे बहुत बड़ी बात है कि आज के डेट में जो जॉब करते हैं 60-70 हज़ार रुपये 80 हज़ार रुपये मोबाइल मतलब अर्निंग करते हैं मंथली का, उनको भी अपना आईफोन नहीं ले पाते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने उस चीज़ को करके दिखाया। बहुत बाहर की दुनिया में सर बहुत सारे बोलते हैं, पिछली बार जब आपने वीडियो बनाया था तो उस टाइम ने कमेंट में भरे पड़े थे, वो लोग सिर्फ कमेंट ही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। उस टाइम की कमेंट और अब की कमेंट में भी बहुत अंतर है, इसके अलावा उनका और कोई काम नहीं है। देखिए सर, सब लोग बोलते हैं कि जोड़ते हैं, जोड़ने का काम नहीं, हम एक परिवार बनाते हैं सबसे बड़ी बात। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जोड़ने का काम है, ये है वैसा है। हम बोलते हैं कि मेरे पास काम है तो हम दे रहे हैं, क्या आपके पास काम है तो आप देंगे मेरे को? सही बात, देंगे या नहीं? बिल्कुल सही बात है, इनके लिए जोरदार तालियां, क्या बात है, शानदार, बहुत बढ़िया। आइए आगे भी आपको मुलाकात कराते हैं। प्रमोद गिरी सर की ये शानदार टीम है जहाँ एक से बढ़कर एक शानदार लीडर है। बहुत बहुत नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है, क्या बात है। तो आप तो कंप्यूटर की टीचर रही, दोबारा आपसे मुलाकात हो रही है, तो दोबारा आपका प्रोग्रेस, चेहरे की स्माइल तो बता रही, धमाका मचा चुकी है। क्या कहना चाहेंगे बताइए सर से? हमारी नेक्स्ट लास्ट में मुलाकात हुई थी 26 जनवरी को और आज दोबारा मुलाकात हो रही है, ठीक है। तो उस टाइम हम लोगों ने सर जो बात बताया था कि एक सबसे बड़ा टॉपिक है मुंह नोच वाला, कि जो पीछे मुंह नोच वाला, केवल मुंह नोच वाला बोलने की बात करते हैं। सबसे खुशी की बड़ी बात है कि आज वो मुंह नोच आने के लिए रेडी है हमारे साथ, आपके साथ काम करने के लिए रेडी है। और उसमें से कई लोग रेडी मतलब हमारे टीम में भी आ चुके हैं, ठीक। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोगों का माइंड जो होता है ना अलग ही सेट, ठीक। तो निगेटिव जो थे तो निगेटिव दरिया में तो बह गए, लेकिन जो पॉजिटिव थे वो हमारे साथ आज कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं। और अभी के जर्नी में लगभग हमारा 5 लाख से यानी 5 लाख से ऊपर ज्यादा तक का अर्निंग हो चुकी है। क्या बात है, शानदार, इनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजना सिंह पड़ेगा, मैं मध्य प्रदेश की धरती से ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ सर। मध्य प्रदेश की ग्वालियर की धरती से आप बिहार की धरती पे चली आई, यस। और चेहरे की स्माइल बता रही कि आपने भी कुछ बम फोड़ दिया है, यस सर। मेरे को प्रमोद सर के माध्यम से एंड फेसबुक के माध्यम से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने मेरी सबसे मेरी समस्या होती है मेरी बीमारी हो, मैंने उसके पहले प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट से पहले मैंने चाहिए हमारा सेहत सही रहेगा तो पैसा तो कभी भी कमा लेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो सेहत को मैंने प्रोडक्ट लेके स्टार्ट किया तो और आज कम से कम 2 लाख से ज्यादा की इनकम मैं यहाँ से कर चुकी हूँ। 2 लाख से ज्यादा की इनकम प्रमोद सर, जी प्रमोद सर को जाता है। प्रमोद सर देख रहे हैं आपकी टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर यहाँ पे हैं। मैं चाहूँगा आप आते रहें, आपसे बातचीत करूँगा। यहाँ पे दिखाएं पहले, बहुत सारी बहनें यहाँ खड़ी हैं। एक बार फिर चाहूँगा कि इन बहनों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। और बाकी आपकी टीम में और भी कुछ अचीवर है यहाँ पे, मैं चाह रहा हूँ। मैम क्या नाम है आपका? पूजा यादव। तो आप कितने समय से इस बिजनेस के अंदर? 1.5 महीने से। 1.5 महीने के अंदर हैं। 1.5 महीने में सबसे पहली चीज आपने क्या सीखी? 1.5 महीने के अंदर आपने सबसे पहली चीज आपने क्या सीखी? बोलना आपको आने लगा? हाँ। क्या आप पहले भी ऐसे ही सूट में रहती थी, टाई लगाकर मस्त एकदम? नहीं नहीं, परिवर्तन हुआ जीवन में जी, धीरे धीरे करके। मैम आपका क्या नाम है? गुड्डी कुमारी सर। तो मैम आप बताइए, आपके अंदर सबसे पहला परिवर्तन क्या आया? सर सबसे पहले परिवर्तन आया कि मैं इस संस्था में आई, संस्था से मैं जुटी। हाँ जी जी। तो लोगों को बताना, लोगों के अपनी माता अपनी बहनों को सलाह देना कि मैं ये काम कर रही हूँ, आइए हमारे टीम में हमारे प्रमोद सर के साथ हमारे रंजन सर के साथ आइए मिलकर काम मिलकर करते हैं। काम करते हैं। अच्छा, दोनों लोग पहले घबराते नहीं घबराते थे? पहले घबराते, पहले घबराते ना। अपना नाम बताने परिचय बताने में घबराते घबराते थे। और अब? अब नहीं। आप बताइए। अब नहीं सर। अब घबराहट होती है? नहीं सर। कितने लोग हैं जो 1-1.5 महीने से काम कर रहे हैं? कितने लोग हैं? घबराते हैं, घबराहट होती है? प्रमोद सर ये आगे हैं। हाँ बहुत बहुत नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? ठीक है सर, आप बताइए। अब आपको घबराहट होती नहीं होती? ना सर, पहले होता था घबराहट? बहुत होता था। होता था जी। तो प्रमोद सर ने आपकी जिंदगी बनाई कि बर्बाद कर डाली? सर बहुत अच्छा बनाई है, मेरे फैमिली भी ऐसे जिंदगी नहीं बना। हाँ जी, लेकिन पहले मम्मी लोग कहती रहेंगी बिटिया कौन सा काम कर रही हूँ, काम ठीक नहीं, ऐसा वैसा बहुत सारे लोग बताते रहेंगे ना। अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है मैम। नमस्कार। नमस्कार सर।
तो आप बताइए, प्रमोद सर, खुशबू मैम, रंजन सर, ये सारे लोग आपके जीवन को सजा रहे, सवार रहे कि बर्बाद कर रहे दिन बहुत दिन? अच्छे से सजा रहे सर। अभी इनकी उम्र 16 साल है। हाँ जी। और 16 साल की उम्र में इन्होंने 1,05,000 का स्कूटी लिया 2 महीने काम करके। 1,05,000 रुपए की आपने स्कूटी ले ली? यस सर। नेटवर्क मार्केटिंग से? नेटवर्क मार्केटिंग। अरे वाह, क्या बात है भाई, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और कौन है आपके पास अचीवर है सर? ये सर अभी कार ले रहे हैं। भोला सर ले रहे हैं। अरे भोला सर, आप कार ले रहे हैं? क्या बात है, क्या कहना चाहेंगे, कब डेट आप ले रहे हैं ये बताइए पहले आप। 15 नवंबर की मेरी कार आ जाएगी। आ जाएगी कार? बिल्कुल आ जाएगी। अच्छा, बहुत सारे लोग आपके साथ काम करने आए रहे होंगे, छोड़कर चले गए होंगे, गए होंगे ना सब? बहुत सारे लोग चले गए। हाँ जी, कहेंगे अरे भोला पता नहीं क्या करेगा कि नहीं करेगा, कर पाए नहीं कर पाए, ऐसा बोले ना? बोलेंगे। बिल्कुल सर, ये हमने पहले आपके वीडियो में बनाए थे, आप हम सभी जनवरी कब से मिले थे, तो उन लोग बहुत सारे कमेंट किए थे लोग। हाँ। लेकिन आज वही लोग फिर से दोबारा आना चाह रहे हैं और आ भी गए हैं लोग। हाँ जी। और जो कमेंट कर गए हैं, पिछले कमेंट किए हैं लोग, वो लोग अभी उन लोगों को कुछ काम है नहीं। हाँ जी। अभी भी वो वीडियो फिर जाएगा, फिर वो कमेंट करेंगे लोग। कमेंट करना उनका काम है। लेकिन कार लेना और अचीवमेंट लेना आपका काम है। अचीवमेंट लेना मेरा काम है। क्या तो प्रमोद सर, ये पूरी टीम, पूरी इंटायर टीम, आज लगभग 200 लोग, बहुत लोग चले भी गए हैं क्योंकि मीटिंग के बाद इंटरव्यू हो रहा है, लगभग 200 लोगों से ज्यादा का सेशन रहा बिहार के आरा में। ये पूरा हॉल खचाखच भरा रहा, बैठने का भी जगह नहीं रहा। और सबसे बड़ी चीज है, प्रमोद गिरी सर ने बड़े कम समय के अंदर धमाका मचाया है और शानदार आज अचीवमेंट खुद अकेले नहीं ले रहे बल्कि अपने साथ अपनी टीम को भी दिला रहे हैं। सर, आज पूरे हिंदुस्तान को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत लोग मजाक करते हैं, बहुत लोग तरह तरह की बातचीत करते हैं कि इसमें कुछ होता नहीं, लोग जिंदगी बर्बाद, लेकिन आपके साथ देख रहे हैं बहुत सारी बहनें, बहुत सारी माताएं, नारी शक्ति सब आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैं तो एक ही बात बोलता हूं सर, और कई बार बोल भी चुका हूं। हाँ जी। जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं, जितने माताएं, बहनें, भाई बहन, लड़के लड़कियां, जितने भी कर रहे हैं, वो MLM कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? MLM, उसका फुल फॉर्म होता है भोजपुरी में मजे लो मजे। तो बस ऐसे मजे लेना है जब सामने वाला बोले नहीं चलता, नहीं होता, काम नहीं होता, बिजनेस सही नहीं, लोग नहीं जुड़ते, तो उनका ये बेकार का काम है। तो एक ही बात कहते हैं हम, मत करना परवाह जब दुनिया देती है खाना, मत करना परवाह जब दुनिया देती है खाना। अरे झुका देंगे सर उनका जब आएगा हमारा जमाना। अरे लहरें बन जाए, तूफान उठ जाए, और कश्तियों का काम है, कश्तियों का काम है कहना। अरे कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। क्या बात है, जोरदार। तो ऐसे लोगों का काम सिर्फ कहने का है सर। अगर लोगों को कहने से अगर हमारे घर में पैसे आना शुरू हो जाना, मैं जितने लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे ना, मैं अपने दम पर मैं बोल रहा हूँ, अपने जिम्मेदारी लेकर के, मैं आधा लोगों को तो मैं बोल ही देता यार कहने से पैसा आ जाता है। हाँ, उल्टा बोलने से पैसा आता है, चलो वो जो कह रहे हैं वही काम कर लेते हैं। सही बात है। लेकिन जो लोग बोलते हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोट पैंट भाड़े पर का है, मीटिंग ट्रेनिंग भाड़े पर का, ये लोग डांस करते हैं। सर एक बात बताए, पैसा आएगा तो कौन नहीं डांस करेगा? सही बात। हम तो इंटरव्यू देते देते भी डांस करते हैं, मीटिंग करते हैं तो भी डांस करते हैं, सोते हैं तो होटल में भी सोते सोते डांस करते हैं। ऐसे ऐसे अभी गाना भी चल रहा है सब मार्केट में, सब गाना याद है हम लोग, और गाना भी याद है और पैसा भी आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, एक समय था जब 2,000-1,000 डेली आता था, आज वैसा समय सर 5,000 से नीचे किसी दिन नहीं आया। पिछले 10 महीने का स्टेटमेंट देखेंगे सर, अकाउंट में लगभग 25 लाख रुपए क्रेडिट हुए, ऐसा कोई महीना नहीं है जिस महीने 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए से कम आया हो। अगर इससे कम आया हो तो मैं अपना पैन कार्ड देता हूँ, आप जाके सर चेक करवा लेना, ये मेरा पैन कार्ड है, मेरे पॉकेट में ही होगा। आप ये नेटवर्कर सब कुछ दिखाता है क्योंकि नेटवर्कर, आप सीए को भेजकर चेक, नेटवर्कर सीसे के घर में रहता है, नेटवर्कर सब कुछ दिखा सकता है और पूरा ये सीए बता देगा कितने पैसे आए हैं और कितने पैसे गए हैं इस अकाउंट से सर। और पिछले 10 महीने से लगातार लाख रुपए 6 फिगर का इनकम लेते आ रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है। मैं सारे भाई बहनों से मताओं से एक ही बात कहूंगा, ये मेरा अचीवमेंट आज का नहीं है सर, 3 साल पहले लिया हुआ डिसीजन का है। अगर 3 साल पहले 46 लोगों को प्लान दिखाया था, 3 महीने गली भटके थे तब जाके एक बंदा मेरे साथ ज्वाइन हुआ था, लेकिन 3 महीने का जो एक्सपीरियंस रहा, 4th महीने मुझे बहुत आगे लेकर गया, वो 3 महीने से बहुत तेजी से, 5वें महीने मैं और आगे गया, 6ठे महीने और आगे गया, 7वें महीने गए, 8वें महीने गए, ऐसे ऐसे गए। मैं भी कभी गिरा था, ये भी कभी गिरा था, वो भी कभी गिरा था, ये भी कभी गिरा था, तो सर गिरने में कोई लाज शर्म नहीं है। आप गिरिए, बस गिर करके वहीं बैठ मत जाइए, उठ जाइए, गिरिए, उठिए, फिर से चलना शुरू करिए। ये काम मैंने किया। जोरदार तालियां प्रमोद गिरी सर के लिए, क्या बात है। सारे लोगों को एक ही संदेश देना चाहूंगा सर, आप जहां हैं
जिस सिस्टम है, अगर अभी तक आप इस इंडस्ट्री में नहीं है और अगर इस इंडस्ट्री में आ गए हैं तो शुक्रगुजार करिए उस भगवान का, पिता परमेश्वर का, माँ बाप का कि आपको ये इंडस्ट्री नसीब हुई है। बहुत सारे लोग को तो दरुआ इंडस्ट्री नसीब होती है, लेकिन आप तो उससे भी बढ़िया काम करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़िया काम आप कर रहे हैं। तो गर्व से बोलिए मैं एक नेटवर्कर हूँ। सोए हुए अगर आपके पास कोई बोलता है आई एम, तो आप बोलिए नेटवर्कर, आई एम नेटवर्कर, आई एम नेटवर्कर। जोर से एक साथ आई एम नेटवर्कर, आई एम नेटवर्कर, आई एम नेटवर्कर। नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो साथियों देख रहे हैं बिहार के, आज मैं हूँ आरा जिला में और आज यहाँ बहुत सारे लोगों को देखने का मौका मिल रहा है। ये सारी पूरी इंटायर टीम है, मिस्टर प्रमोद गिरी सर की टीम है और आप सबको बताना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज बहुत सारे लोग अपने जीवन को सजा और संवार रहे हैं। प्रमोद सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाएंगे कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे और अभी भी आप अगर चाहते हैं इनके साथ बिजनेस करना तो जरूर कॉल करें और बातचीत करें। सर आपसे बातचीत करें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर, सो मच सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।